दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक घर में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और प्रत्येक घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को सुबह सहरसा व्यवहार न्यायालय परिसर से न्यायाधीश एवं जिला विधिक संघ ने संयुक्त रूप से तिरंगा पदयात्रा निकालकर देश की एकजुटता एवं राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं विधिक संघ सहरसा के संयुक्त बैनर तले आयोजित तिरंगा प्रभात फेरी को सहरसा जिला जज आलोक राज ने हरी झंडी दिखाते हुए तिरंगा झंडा हाथ में लेकर पदयात्रा का नेतृत्व किए। इस मौके पर जिला जज आलोक राज ने अपने संदेश में देश की एकजुटता एवं राष्ट्र प्रेम पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एकजुटता से देश समृद्ध और खुशहाल होगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। वैंड वाजा के राष्ट्रभक्ति धुन एवं मनोहर उच्च विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के तिरंगा मार्च पास्ट के साथ न्यायाधीश अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी तथा पारा विधिक स्वयंसेवक ने अपने हाथों में तिरंगा थामकर शहर का भ्रमण किया और लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम का संचार किया। न्यायाधीशों का तिरंगा काफिला न्यायालय परिसर से निकलकर विश्वेश्वरैया चौक, परिसदन मोड़, विकास भवन और समाहरणालय होते हुए न्यायालय परिसर लौटा। इस कार्यक्रम में एडीजे बन शिव कुमार, विकास सिंह, डीएलएसए के सेक्रेटरी रवि रंजन, सीजीएम अमित कुमार, एसडीजीएम चंदन कुमार वर्मा, एसीजीएम नितेश कुमार, मुंशिफ प्रदुमन कुमार के अलावे अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से सहरसा के जिला जज आलोक राज अपने हाथों में तिरंगा लेकर इस पदयात्रा में शामिल होकर देश प्रेम का संदेश दे रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा देश 75 वर्ष आजादी के होने के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी महोत्सव के पर्व पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सहरसा व्यवहार न्यायालय परिसर से भी तिरंगा पदयात्रा जिला जज आलोक राज के नेतृत्व में निकाली गई। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।